नमो नमः छात्र मित्राणी सुप्रभातम। गई काले आपणे धोरण 9 ना संस्कृत विषयनी अंदर चौथु गद्य वल्लभी विद्यास्थानम एना अभ्यासनो प्रारंभ कर्यो। आपणे सौ जाणीए छीए के रीते प्राचीन भारतनी अंदर 3 विश्वविद्यालयो खूब ज प्रख्यात अने श्रेष्ठ कक्षाना हता। भारत नक्शा में जुए मुजब तक्षशिला विद्यापीठ के हाल के पाकिस्तान अंदर स्थान है, त्यारबाद बिहार नी अंदर के ए समय नो ए मगध राज्य एमां नालंदा विश्वविद्यालय अने गुजरात राज्य हाल जे आपणुं छे एमां वल्लभी विद्यालय ए खूब ज श्रेष्ठ अने विश्व कक्षाना आ विश्वविद्यालय होता। अनेक विदेशी आक्रांताओं ने लीधे एमनो नाश थयो, पछीथी एनु पुनर्निर्माण न थई शक्यु, ए एक करुणतानी वात छे। परंतु आपणो जे आ प्राचीन वारसो के इतिहास छे एनु स्मरण पण पवित्र छे अने प्रेरणादायी छे, माटे वल्लभी विद्यालय गुजरात नी अंदर भावनगर जिल्ला नी बाजू में आवेला वल्लभी नामना गाम नी पासे ए आवेलू छे। तो आ एकम नी अंदर आगळ आपणे भाषांतर करिए। वस्तु तस्तु वास्तव में इदम उपनगरम आ नानु उपनगर एटले के वल्लभी प्राचीन काल एव प्राचीन काल थी अध्ययन अने अध्यापनस्य केन्द्रम आसीत, एटले शिक्षण अने शिक्षण आपवा माटेनुं केन्द्र हतुं। पूर्वम अत्र पहला अहीं अष्टादश विद्यायाः 18 विद्याओनुं पठन अने पाठन थतुं हतुं भवति स्म। अहीं 18 प्रकारनी विद्याओ ए भणावामां आवती हती। एतासु विद्यासु आ विद्याओमां चत्वारो वेदा चार वेद सबथी विश्वनु प्राचीन साहित्य वेद साहित्य चार वेद एटले के ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अने अथर्ववेद आ चार वेद। षट वेदांगानी 6 एना वेदांगो, तो वेदांगोनी अंदर ज्योतिष न्याय वगैरह। त्यारबाद पुराणम 18 पुराणो एनो पण अभ्यास थतो, मत्स्य पुराण कूर्म पुराण मार्कंड पुराण वगैरह। न्याय विविध प्रकारना न्याय छे एनो पण त्यां विस्तृत अध्ययन अने अध्यापन करावामां आवतुं। मीमांसा स्मृतिओ मनुस्मृति वगैरह। आयुर्वेद के जे आरोग्य माटेनो ग्रंथ छे, चिकित्सा पद्धति माटेनो ग्रंथ छे ए। त्यारबाद धनुर्वेद गंधर्ववेद अर्थवेद वगैरह विषयो छे अने चार उपवेद एनो अहीं अध्यापनमां समावेश करवामां आवेलो हतो। ततः पछी बौद्ध दर्शनस्य जैन दर्शनस्य च इदं केन्द्रं संजातम्। त्यारबाद बौद्ध अने जैन दर्शन आ वल्लभी छे केंद्र बन्यो। ख्रिस्तस्य चतुर्थां शताब्द्यां ईसु ख्रिस्तनी चौथी शताब्दी में ऋग्वेदस्य भाष्यकार ऋग्वेदना भाष्यकार स्कंद स्वामी संजात, स्कंद स्वामी ए अहीं थई गया। सः अत्र एव अवसत्ते अहीं ज वस्यात्। एतत् सूचयति आज सूचवे छे यत् गुप्त काले अत्र वेदाध्यानम अपि प्रचलति स्म। गुप्त कालमा पण गुप्तना समयमा पण अहीं वेदोनु अध्ययन थतो हतो। गुप्त एटले के समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त वगैरह जे गुप्त राजाओ थई गया एना कालमा पण अहीं वेदोनु अध्ययन करावामां आवतुं हतुं। ख्रिस्तस्य चतुर्थां शताब्द्यां एव सुप्रसिद्धो बौद्ध आचार्यो स्थिरमति गुणमति। ख्रिस्ती चौथी शताब्दी में खूब प्रसिद्ध एवं बहु
संप्रदाय आचार्य स्थिरमती गुणमती जैन आचार्य श्रीमल्लवादीश्वरी च अत्र एव विद्याभ्यासंगम कुर्वन्ति स्म। एवं यही विद्याओनो अभ्यास करियो। एतत् सूचयति, आज सूचवे छे यत् अत्र के जे अहि जैन बौद्ध दर्शनां अपि अध्ययनं प्रचलति स्म। बौद्ध अने जैन संप्रदायना धर्मनो पण अहि अभ्यास थतो होतो। अत्र यथा रुचि यथा मति छात्राः अपठन, अहि विद्यार्थियो पोतानी रस रुचि मुजब नो अध्ययन करता। प्रवेशम अर्थम अत्र प्रवेश परीक्षा अपि भवति स्म। अहि प्रवेश माने ही प्रवेश परीक्षा एडमिशन टेस्ट पण अति। ताम उत्तीर्य तेनी अंदर पास थईने ज अत्र छात्रस्य प्रवेश शक्य आसीत्। एमा विद्यार्थीनो प्रवेश शक्य बन्यो। मित्रों अहीं आपणे आ पाठ स्थगित राखीए छीए। आजे पण घणी कॉलेजो विश्वविद्यालयो एटले युनिवर्सिटीओना केटलाक एवा अभ्यासक्रमो होय छे एनी अंदर प्रवेश परीक्षा लेवामां आवे छे। एमां मेरिटमां जे विद्यार्थी आवे एमने एमां प्रवेश प्राप्त थाय छे। दाखला तरीके आईआईटी टीचर यूनिवर्सिटी गांधीनगर द्वारा गुजरात की तमाम बीएड कॉलेजों ने इन्हें नीचे समावामां आवी छे अने ए बीएड नी अंदर हवे प्रवेश प्राप्त करवा माटे बीएड एटले के शिक्षक थवा माटेनो माध्यमिक कक्षानो एक कोर्स छे अभ्यासक्रम छे एनी पण प्रवेश परीक्षाओ प्रत्येक जिल्लामां घणा समयथी लेवाय छे। ए ज रीते मेडिकल साइंस नी अंदर नीट एंजीनियरिंग नी अंदर पण विविध परीक्षा एम तमाम प्रकार ना अभ्यासक्रमों में पण एडमिशन माटे नी परीक्षाओ होय छे। तो प्राचीन समय में पण आज पद्धति आवा विश्वविद्यालयों में जोवा मळती एनु आ एक उदाहरण छे કે એમાંથી પ્રેરણા લઈને આજે પણ વિશ્વવિદ્યાલયો અને કોલેજોની અંદર એડમિશન ટેસ્ટ લેવામાં આવે છે અને એની અંદર જે એડમિશન પ્રાપ્ત કરે છે વિદ્યાર્થીઓ પોતાની જાતને ધન્ય માને છે। આગળ વલ્લભી વિદ્યાની વિશેષતાઓ અને વાતો નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર આપણે ચર્ચા કરીશું। નમસ્કાર, જય તો સંસ્કૃતમ, જય તો ભારતમ, જય સંસ્કાર।